और शुरुआत करेंगे एक मिनट एक खबर से। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ट्वीट से भारत के खिलाफ जारी विदेशी साजिशों का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। पूरी खबर एक मिनट में देखें। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किए गए ट्वीट ने कई ऐसी साजिशों का खुलासा कर दिया है जो भारत के खिलाफ की जा रही थी। ग्रेटा थनबर्ग और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की साजिश का खुलासा पहले ही हो चुका है, लेकिन अब ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से नया खुलासा हुआ है। नए खुलासे में पता चला है कि विदेश में भारत को बदनाम करने के लिए किसान एकता कलेक्टिव नाम की वेबसाइट चलाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि किसान एकता कलेक्टिव खुद को कनाडा, यूएसए और यूके के वॉलंटियर समूह बताता है। इस वेबसाइट से मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को संपर्क करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने को भी कहा गया है। ग्रेटा थनबर्ग और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पर दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अशांति फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। वहीं 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा में पुलिस को लगातार कई सबूत मिले हैं। एक मिनट में जानिए। 26 जनवरी के दिन लाल किला पर हुई हिंसा में पुलिस को लगातार नए सबूत मिल रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने हिंसा से जुड़ी 25 तस्वीरें खोज निकाली हैं, जिनमें गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हिंसा के आरोपियों के चेहरे दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने नेशनल फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की मदद से हासिल किया है। एक्सपर्ट्स ने कई वीडियो तस्वीरों को एग्जामिन करके उनमें से तस्वीरें निकाली हैं। तस्वीरों में लाठी, डंडे, फरसे और दिल्ली पुलिस का हथियार छीन कर खड़े शख्स दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम सबकी तलाश में जुटी है। साथ ही दिल्ली पुलिस को इन सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्वीरों से ये भी पता चला है कि लाल किला हिंसा के दौरान कुछ लोकल लोग भी प्रदर्शनकारी किसानों की मदद कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर ये बताया है कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हिंसा की घटनाएं, लाल किले में तोड़फोड़ ने भारत में उसी तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है जैसे कि कैपिटल हिल पर हुई थी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी आंदोलन के कारण आसपास के इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी आंदोलन को 70 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक समझौते की स्थिति नहीं बन पाई है। ऐसे में अब इस इलाके के आसपास रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि आंदोलन में शामिल कुछ किसान तेज आवाज में गाने बजाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इनकी इतनी आवाज चिल्लाते हैं ये वहाँ से कि, और डीजे बजाते हैं, वो सारी आवाज घरों तक आती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, रात में डिस्टरबेंस होता है। ये जब यहाँ ट्रैक्टर में घूमते हैं यहाँ पे तो लाउड डीजे बजाते हैं, पता नहीं किसे सुनाना चाहते हैं, लेकिन उससे जो माहौल बनता है ना, वो माहौल खराब होता है, कोई गाने खराब होते हैं। साथ ही लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर आंदोलन अक्टूबर तक चला तो उनका क्या होगा। सरकार से मैं गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कि अक्टूबर तक जाएंगे नहीं। इनके पास कहां से कौन कितना पैसा भेज रहा है कि इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हम अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, लेकिन हम अक्टूबर तक तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते इस तरह। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट बंद होने से लोगों के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी काफी प्रभावित हो रही हैं। एक मिनट में जानेंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर जहां आंदोलन जारी है, वहां इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इससे आसपास के इलाके में रह रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इंटरनेट पर रोक लगाने से लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रही हैं। मोबाइल से कहीं पे करना चाहूं तो पे नहीं कर पाता हूं। कितनी बार ऐसा हुआ कि पैसे नहीं है, सोचा कोशिश करा कि पेमेंट कर दूं फोन से, तो हो नहीं रहा, बाद में पता चला इंटरनेट ही गायब है। यही नहीं, आने वाले करीब महीने भर बाद हजारों बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं। ऐसे में इंटरनेट ना होने से उनकी ऑनलाइन क्लासेस को बहुत नुकसान हो रहा है। रिवीजन में दिक्कत हो रही है, मैं जैसे रिवीजन करवाने के लिए क्लास लेती है, पर बच्चे क्लास में आ ही नहीं पा रहे तो रिवीजन कहाँ से होगी। तो एग्जाम की प्रिपरेशन में भी दिक्कत हो रही है। एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 70 से भी ज्यादा दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे दिल्ली के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार को करीब 10 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। गुरुवार को विपक्ष के कई बड़े नेता दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर बैठे किसानों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर विपक्ष ने देर रात
लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। गाजीपुर सीमा पर स्थिति भारत पाकिस्तान सीमा की तरह थी और वहां पर धरना दे रहे किसानों की स्थिति जेल में कैदियों से मिलती जुलती थी। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद हमें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल की इस मुहिम में एनसीपी से सुप्रिया सुले, डीएमके से कन्नी मोझी और तिरुचि शिवा और टीएमसी से सौगात राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस आरएसपी और आईयूएमएल के सदस्यों के अलावा प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। हम नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति भाषण पर जो चर्चा उसी का अंदर किसान आए। हम चाहते हैं किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको लेके सेपरेट डिस्कशन हो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के जवाब में सीएम ममता बनर्जी ने एक नया नारा दिया है, आपको दिखाते हैं एक मिनट। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से बीजेपी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले ही ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हालांकि कोर्ट ने इस पर दायर की गई जनहित याचिका गुरुवार तक टाल दी है और अब 9 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने इस रथ यात्रा के विरोध में नया नारा देते हुए बीजेपी को एक बार फिर दंगाई कह दिया। चाही न चाही न बीजेपी के चाही न, चाही न चाही न दंगा चाही न, चाही न चाही न लुटेरा चाही न, चाही न चाही न भ्रष्टाचार चाही न। साथ ही अपनी पार्टी को छोड़कर भाग रहे नेताओं पर ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ चोरों को हवाई जहाज से दिल्ली ले जाने में खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। वही टीएमसी सांसद सौगात राय ने इस रथ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम ही लोग रहेंगे। देश में कोरोना के नए मामले लगातार 15,000 से भी कम बने हुए हैं। एक मिनट में रिपोर्ट देंगे। देश में कोरोना के रोजाना मामले एक बार फिर 15,000 की संख्या से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 12,899 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 107 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,824 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,07,90,183 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,04,80,455 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,55,025 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,54,703 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.13% है, जबकि मृत्यु दर 1.43% हो गया है। वहीं कर्नाटक में चल रहे एरो इंडिया शो में युवा सांसद तेजस्वी सूर्य ने तेजस पर बैठने के लिए काफी उत्सुकता दिखाई। कर्नाटक में चल रहे एरो इंडिया शो में तेजस में सवार हुए तेजस्वी सूर्य, तेजस में बैठने की उत्सुकता उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तेजस में सवार होने से पहले तेजस्वी ने तेजस के साथ फोटो खिंचवाई। और उसके बाद वो तेजस के साथ आसमान की सैर करने लगे। तेजस्वी सूर्या जिस तेजस में आसमान की सैर कर रहे थे वो एक हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। इस बार का ये एरो शो उनके ही संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। तेजस्वी सूर्या अपने सोशल मीडिया पर आज की इन तस्वीरों को शेयर भी किया। और पहली बार इस एयर शो में B-1B लेंस एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। तेजस के साथ आसमान की ऊंचाई को छूते इस विमान को देखिए। यह अमेरिका का B-1B लेंसर एयरक्राफ्ट है जो पहली बार इस एयर शो में शामिल हुआ है। अमेरिका के यह एयरक्राफ्ट आधुनिक तकनीकी के साथ साथ बेहद ही खतरनाक है।
ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक बमबारी कर सकता है, जो इस विमान की खासियत है। B-1B लेंसर एयरक्राफ्ट से 35,000 किलो तक का युद्ध का सामान ले जा सकते हैं। 140 फुट लंबे इस विमान में 137 फुट के पंखे लगे हैं। इस विमान से दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियारों को ले जाया जा सकता है। ये विमान 26 घंटे की उड़ान भरकर अमेरिका के दक्षिण डकोटा के एयरबेस से बंगलुरु आया है। इस एयरो शो में IIT कानपुर द्वारा विकसित एक हेलीकॉप्टर को भी दिखाया गया, जिसकी क्षमता जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हवा में उड़ते इस हेलीकॉप्टर को देखिए। इस हेलीकॉप्टर को IIT कानपुर में बनाया गया है। ये हेलीकॉप्टर 5 किलो तक का वजन उठाकर करीब 50 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और वजन अगर 5 किलो से कम है तो ये हेलीकॉप्टर 100 किलोमीटर तक जा सकता है। साथ ही साथ ये 11,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये हेलीकॉप्टर मानव रहित हेलीकॉप्टर है। एयर शो में भी इसका मॉडल रखा गया है, जिसे कल रक्षा मंत्री ने भी देखा है। इस हेलीकॉप्टर में ऑन बोर्ड सेंसर्स लगे हैं, जो लगातार इसकी लोकेशन देते रहते हैं। जल्द ही इसके ऑपरेशन को मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी के बाद ये हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी मदद से घाटी में छुपे आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर -20 डिग्री से -50 तक के तापमान में भी उड़ान भर सकता है। उत्तराखंड के टीकरी में हुई ताजा बर्फबारी से इलाके की तस्वीर एकदम बदल गई। स्क्रीन पर चल रही ये खूबसूरत तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी की है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों से लेकर सड़क तक बर्फ से ढक गई है। जिले के धनोल्टी, कानाताल, प्रतापनगर और भिलंगना ब्लॉक के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ, जिस कारण मौसम में ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों ने ठंड से बचने के उपाय शुरू कर दिए हैं। कुछ ही दिन पहले जिन ऊनी और गर्म कपड़ों को लोगों ने संभाल कर रख दिया था, अचानक हुए मौसम के बदलाव से फिर से लोग गर्म कपड़ों से ठंड से निजात पाने लगे हैं। बर्फबारी के चलते लोगों ने अलाव और हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यहाँ हुई इस बर्फबारी को किसान खेती के लिए अच्छा मान रही है। अचानक हुई इस बर्फबारी के कारण सेब के व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। हिमाचल के शिमला में भी भारी बर्फबारी हुई है, इसके बाद वहां का मौसम बदल गया। शिमला में मौसम के बदले तेवर ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो गया है। पेड़ और पौधों पर सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ये तस्वीरें देखिए। पूरा शिमला बर्फ की आगोश में है। ऐसी बर्फबारी हो रही है कि लोगों को बचने के लिए छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। इस गाड़ी को देखिए, किस कदर बर्फ से ढकी है। बेंच पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। जिधर भी नजर डालिए, बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। शिमला में बीते 24 घंटे में जमकर बर्फ पड़ी है, जिसके बाद से सड़कों पर भारी बर्फ जमा होने लगी। यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 2 फरवरी को ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया था। बर्फबारी के बाद से शिमला में तापमान 4 से 5 डिग्री पर बना हुआ है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।